गुड मॉर्निंग, टुडे आई रीड एसएसटी क्लास फोर्थ लेसन टू। इसका नाम है नॉर्थर्न माउंटेन्स, उत्तर के पर्वत। हिमालय वास्तव में भारत की एक आत्मा कहलाता है, शाओल ऑफ इंडिया। और यह हिमालय पर्वत एक सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। हिमालय शब्द का जो वर्ड है, यह हिमालय, यह अवॉर्ड ऑफ स्नो से लिया गया है, बर्फ का एक विशाल भंडार। यह हिमालय थ्रू आउट द ईयर पूरा वर्ष बर्फ से ढका रहता है। अब टॉपिक आता है हिमालय की, क्या लोकेशन है, स्थिति क्या है, कहां पर स्थित है हिमालय। तो हिमालय पर्वत एक विशाल वॉल की तरह नॉर्थर्न साइड में फैला हुआ है और यह भारत और चाइना के बीच में एक बॉर्डर के रूप में स्थापित है। नेपाल और भूटान भी दो एक ऐसे देश हैं जो हिमालय के क्षेत्र में ही स्थित है। हिमालय की जो डिस्टेंस है लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है। यह जम्मू कश्मीर पश्चिम में और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। माउंट एवरेस्ट जो ये चोटी है, यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर ऊंची। हिमालय पर्वत पर कई अन्य चोटियां भी हैं, जिनमें कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलगिरी, नागा पर्वत और मकाली, अन्नपूर्णा, ये विभिन्न प्रकार की चोटियां भी माउंट पर्वत पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले सर एडमंड हिलेरी, जो न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नॉर्गे, इन्होंने सबसे पहले चढ़ाई की थी। और भारतीय जो पर्वतारोही वचेंद्री पाल, उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के जो पर्वतारोहण के शौकीन लोग हैं, इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। अब आता है नंबर टू, फिजिकल फीचर ऑफ हिमालय। हिमालय के भौतिक विशेषताएं क्या है। हिमालय रेंज माउंटेन डिवाइडेड इनटू थ्री पैरेलल रेंजेस। हिमालय जो रेंज है उसको तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। नंबर वन ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री, नंबर टू लेजर हिमालय और हिमाचल रेंज कहते हैं इसको, और नंबर थर्ड आउटर हिमालय या शिवालिक रेंज कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री। ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, यह हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला है। दे आर आल्सो नॉर्थर्न पार्ट। यह हिमालय के अधिकांशतः उत्तर के साइड स्थित है और यह पूरी तरह से साल भर बर्फ से ढकी रहती है। कुछ
जो स्नो फील्ड है जो बर्फ के पर्वत हैं, ये ग्लेशियर को जन्म देते हैं, और जब ग्लेशियर मेल्ट करता है तो यह पानी बनकर मैदानों में नदियों का रूप लेता है, अर्थात नदियों को जन्म देता है। तो इस क्षेत्र में बहने वाली यमुना, गंगा, ये मुख्य नदियां हैं जो इन ग्लेशियर से पिघलने से बहती हैं। कुछ अन्य नदियां जैसे सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंडस भी इसी इलाके में बहती हैं। अब नंबर टू आता है लेजर हिमालय और हिमाचल रेंज। हिमाचल जो रेंज है यह हिमालय पर्वत के साउथ में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 3500 से 5000 मीटर तक है। यह पर्वत भी जंगलों से घिरा हुआ है, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं। इनमें पाइन, देवदार, ओक, फर ट्रीज के वृक्ष आपको मिलेंगे। और लेजर हिमाचल में, हिमाचल रेंज में कुछ हिल स्टेशंस भी स्थित हैं, जहां पर लोग अपनी समर वेकेशन स्पेंड करने घूमने जाते हैं। उनमें से कुल्लू, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, ये हिल स्टेशन स्थित हैं। अब नंबर थर्ड आता है आउटर हिमालय और शिवालिक। शिवालिक जो रेंज है यह लेजर हिमालय और जगनेटिक प्लेन के बीचों बीच स्थित है। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर से 2000 मीटर तक है, और यह प्रायः साउथर्न मोस्ट पार्ट में स्थित है। शिवालिक रेंज की बिल्कुल फुट पार्ट में, बॉटम में हिमालय स्थित है, जिसे तराई का मैदान कहा जाता है। ये तराई का मैदान चपटा है, फ्लैट है, और यहाँ पर बहुत तेज बारिश होती है। इस रेंज में बहुत बड़ी बड़ी घाटियां हैं जो जंगलों से घिरी हुई हैं, बहुत सारे वृक्ष उगे हुए हैं, और उत्तर का पूर्वी जो भाग है इसे हम पूर्वांचल रेंज कहते हैं। इनमें कई ऊंची चोटियां हैं जैसे गारो, खासी, जंतिया, नागा, लुशाई, मिजो, ये जो पहाड़ियां हैं ये भी पूर्वांचल रेंज में स्थित हैं। तो इस तरह से आप ये जो लेसन है इसमें मैंने आपको हिमालय की लोकेशन और हिमालय की फीचर्स के बारे में आपको समझाया, और नेक्स्ट जो शेष है उसको मैं नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।